सुप्रभात। जो लोग इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे वीगन डाइट स्विच ओवर करने के बाद से मेरे रनिंग के परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और जो लोग मनी मन जिनके बहुत सालों से अटका हुआ है कि यार हमको नॉनवेज खाना छोड़ना है, धार्मिक वजहों से नहीं, इस वजह से कि कहीं पर उनके अनकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी कहीं कुछ अटकता हो, कहीं दिक्कत होती हो, लेकिन वह हैबिचुअली खा रहे हो, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज कि खुद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मैं 12 किलोमीटर दौड़ाऊँ और 5 के पेस से तेज आखिरी तक मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल किया आज, एंड उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही एक आम टेक्निक है जो कि स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो टॉप के खिलाड़ी हैं सारे यूज़ करते हैं, और सिर्फ उसको विजुअलाइजेशन को सिर्फ आप खेल में यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे विद्यार्थी हैं, यू नो, मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ, उसे कितना फॉलो किया पता नहीं, लेकिन मैं उसको ये कि आप सपोज आपका एग्ज़ाम है कल, यू नो, तो आप सोने से पहले आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे सवाल आपको आते जा रहे हैं और आप लिखते जा रहे हो तेज़ी से, हैं, और हाईली एकाग्र कंसंट्रेशन बनी हुई है, बना हुआ है, एकाग्र चित्त होकर लगातार कहीं अटक ही नहीं रहे हो, और करते जा रहे हो और सवाल आपने सारे ख़त्म भी कर दिए, पता चला कि 15 मिनट बाकी हैं, यू नो। सो जब आप ऐसा विजुअलाइज करते हो तो विजुअलाइजेशन क्या होता है, वो आपके सारा का सारा सबकॉन्शियस में इकट्ठा हो जाता है, और सबकॉन्शियस तो उतना ही पावरफुल है जितना ये ब्रह्मांड है। आपको सबकॉन्शियस की शक्तियों के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं तो पिछले कुछ साल से, मतलब आई मीन बहुत ज़्यादा साल नहीं, लेकिन पिछले कम से कम 2 या 3 साल कहना चाहिए, जैसा मैं चाह रहा हूँ वो एग्जैक्टली वैसा हो जा रहा है, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ और सबकॉन्शियस की पावर का यूज़ कर रहा हूँ। ये सबकॉन्शियस की पावर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको अगर आप यूज़ करना सीख जाएं तो जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते, लेकिन आपको ये आपको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस रहना ही चाहिए, वो तो हर चीज़ में ज़रूरत है, कि ऐसी चीज़ की तमन्ना न करने लग जाए कि जो लगभग जो समय से पहले, जैसे कहते हैं ना, फुल फल पकता नहीं है, मतलब असमय और बहुत जल्दी, मतलब मुर्गी का सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का पेट ही फाड़ दिया, इस तरह का ना हो। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आप सुबह का रूटीन अपना शुरू करें, आप में जो सारी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को कैसे आप पूरा कर सकते हो, तो सुबह से सारा खेल शुरू हो जाता है। सुबह जो है नेगेटिव चीज़ों से नहीं उलझना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आने देना है, 8 बजे तक आप कोई अखबार ना पढ़ें, ना कुछ आप इस तरह के अपने मोबाइल में कुछ नेगेटिव चीज़ें देखें। जो आपकी रोज़ का रूटीन ऐसा रखें कि सुबह के टाइम आपके भीतर बहुत पॉजिटिविटी रहे, जो आपकी ऊर्जा सुबह इकट्ठा होगी दिन भर वो आपके काम आएगी, हैं, कि सिचुएशन से आप पूरी शक्ति के साथ डील करें, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जो आपको ओवरपावर कर ले, आपके ऊपर जो नियंत्रण कर ले, आपका स्थितियों के ऊपर नियंत्रण रहेगा। इस बात को समझें, देखो जीवन में क्या होता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ, रोज़ हम खाना भोजन करते हैं, भोजन लगभग 2,500 कैलोरीज हमारे भीतर जाती है, वो सारा खेल ऊर्जा का मैं बता चुका हूँ, वो ऊर्जा किस काम आती है, वो ऊर्जा हमारे विचार, सोच रहे हैं तो ऊर्जा खर्च हो रही है, चल रहे हैं तो ऊर्जा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी सारा खेल एनर्जी का है, आप में इमोशंस पैदा कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो जब ये तो आपको उन चीज़ों में एनर्जी खर्च करनी है जो आपके जीवन के लिए प्रोडक्टिव है। तो आपको पता है कि आप ऑफिस में कोई बहुत बड़ा काम करना है आपने, आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बचाइए, रास्ते भर में आप तो पता है कि मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज देखते हुए जा रहे हैं, वीडियो देखते हुए जा रहे हैं, सारी एनर्जी तो आपकी 1 घंटे के सफ़र में चली गई,
और ऑफिस में किसी ने कुछ जरा से नेगेटिव बात कर दी तो आपने उससे उसको गुस्सा हो गया, भड़क गया, आपकी आधी एनर्जी वहाँ चली गई है, कुछ आपने नेगेटिव सोच लिया वहाँ उसे एनर्जी चली गई। तो इस तरह क्या करते हैं हम अपने जीवन में खुद ही स्वयं हम अपनी एनर्जी वेस्ट करके स्वयं अपने लिए असफलताओं को इकट्ठा करते हैं। तो सुबह जो है वो बिल्कुल आप पॉजिटिव एनर्जी बना के रखिए घर से निकलने तक, और उसके बाद जो है इस बात को लेके कॉन्शियस रहिए कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। अननेसेसरी किसी से फ़ोन पे लंबी बातचीत मत कीजिए, बातचीत तो हालांकि आधे घंटे आपने बात कर ली तो आधे घंटे में कितनी ऊर्जा आपने उतने ही अपने काम की रचनात्मकता को आपने उसकी रचनात्मकता को कम कर दिया जितनी आपने एनर्जी वेस्ट की। वो रचनात्मकता आपको कहीं पर वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती थी। देखिए पूरा सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई चीज़ अलग नहीं है, एक ही साइकिल है। तो आपका जीवन भी साइकिल में चलता है, मतलब सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आपने किससे बात की, किससे बात नहीं की, आपने ट्रेन से उतरते उतरते आपने क्या सोचा, बस से आप कार में क्या सोच रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में सोच, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सब सबकॉन्शियस में भी जाती जा रही है। तो इसलिए सोचने को लेकर अलर्ट रहना है, अपने काम करने के तरीके को लेकर सुबह आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली उसको लेकर अलर्ट रहना है। तो ये अलर्ट होने के लिए और भी कुछ तरीके हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।